फ्रेंड्स, आप लोगों की बेहद डिमांड पे आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि रीट में भी आने वाला है। आपका 9th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी है, 11th क्लास में भी है, और आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसमें भी ये टॉपिक कंपलसरी आता है। तो आज हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है आपका मॉडल्स ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज क्या होता है? ऑक्सिलरीज होता है आपका हेल्पिंग वर्ब। हम लोग यहाँ पे दोनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। कंपटीशंस में जिस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, और एकेडमिक्स में 9th to 12th या आप कह लीजिए 6th to 12th में जिस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, जिस तरीके से एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी देखते हुए हम लोग यहाँ पे मॉडल्स को देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग क्विकली देखते हैं कि मॉडल्स का मतलब क्या होता है, मतलब बेसिक क्या है, कि क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। मॉडल्स को हम लोग अगर डिवाइड करें या हम लोग जो सामान्य भाषा में बोलें इसका संधि विच्छेद करें तो क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मूड। मूड मीन्स एक्सप्रेशंस। अगर हम लोग सामान्य बात करें, एक छोटी सी शायरी से समझने की कोशिश करें तो क्या होगा? बात आँखों की सुनो, दिल में उतर जाती है, जुबा का क्या है, कभी भी मुकर जाती है। तो वो वाली बात है एक्सप्रेशंस की। मीन्स मूड मीन्स एक्सप्रेशंस। अब अगर आपने कभी पढ़ा हो, कम्युनिकेशन पढ़ा हो, तो उसमें जो है दो टॉपिक्स होते हैं। कम्युनिकेशन दो तरीके से होता है, एक होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन और एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो मॉडल्स कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करते हैं, आपको बताते हैं, क्या बताते हैं, एक्सप्रेशंस के जरिए जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग मॉडल्स कहते हैं। आपको इंडिकेट करता है, आपको बताता है कि क्या व्हाट द स्पीकर वांट्स टू से, स्पीकर क्या कहना चाहता है, या स्पीकर का जो मोटिव है वो मोटिव क्या है, स्पीकर क्या इंडिकेट कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको मॉडल्स के जरिए पता चलती है। अब मॉडल्स आपके एग्जाम्स में जो मॉडल्स आते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, वो कौन से हैं? आपको कैन आता है, आपको कूड आता है, मे आता है, माइट आता है, शुड आता है, मस्ट आता है, ओट टू होता है, डेयर, नीड टू। ये सारे मॉडल्स इम्पोर्टेंट है। वैसे तो कई सारे मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स हो सकती है, लेकिन ये वो मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो बेहद इम्पोर्टेंट है, जो आपको एग्ज़ाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात हो, चाहे वो कंपटीशंस की बात हो। और रीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखें, इनके जो है वो नोट्स प्रिपेयर करें, जिससे कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन उनके गलत ना हो, और ये बहुत आसानी से सही किए जा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की या बहुत ज़्यादा ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले मॉडल्स को जो पढ़ने वाले हैं वो ट्रिक्स के जरिए पढ़ने वाले कि आपका पर्पस है कि कैसे आप एग्ज़ाम्स में स्कोर कर सकें। हम लोग जो मॉडल्स आज देखने वाले हैं वो कौन से मॉडल्स हैं? वो मॉडल्स हैं, हम लोग एक नए तरीके से देखने वाले हैं, तो हमारे जो मॉडल्स हैं वो मॉडल्स हम लोग इजी वे से स्टार्ट करते हैं। वो इजी वे में क्या स्टार्ट करते हैं? हम लोग सबसे पहले देखते हैं शुड को। शुड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे तो कई ट्रेडिशनल तरीका है कि शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है, मस्ट का प्रयोग भी चाहिए के अर्थ में होता है,
उस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हमारा पर्पस यहाँ पे है मार्क्स अर्न करना। तो हम लोग समझेंगे कि शुड का जो यूज़ है वो यूज़ क्यों होता है, क्या उसका कारण है, क्यों सेंटेंस में शुड को यूज़ किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मिस हो गई इंट्रोडक्शन में वो ये है कि मॉडल ऑक्सिलरीज का जो उपयोग है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही किया जाता है। इसका यूज़ हमेशा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कई सारे इंट्रोडक्शंस इस तरीके से भी होते हैं कि बी के फॉर्म्स में जो यूज़ होता है, आपका हैज़ हैव के फॉर्म में यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारा पर्पज़ मात्र और मात्र एग्ज़ाम पर्पज़ है, हमारा पर्पज़ है कि हम लोग को मैक्सिमम मार्क्स अर्न करने हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पहला जो मॉडल ले रहे हैं वो है हमारा शुड। अब शुड का यूज़ हम लोग कब करते हैं? शुड का यूज़ हम लोग करते हैं जहाँ पे जिस सेंटेंस में बात होती है या एक कौन सा एक्सप्रेशन शो करता है, एक्सप्रेशन शो करता है आपका ड्यूटी, ओब्लिगेशन और एडवाइस। जहाँ पे ड्यूटी की बात आती है जहाँ पे सलाह की बात आती है और जहाँ पे ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन का भी मतलब क्या होता है? कर्तव्यनिष्ठ। जहाँ पे जिन सेंटेंसेस में आपका ये एक्सप्रेशंस आता है वहाँ पे हम लोग शुड का यूज़ करते हैं, चाहे वो एडवाइस हो, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, चाहे आपका ओब्लिगेशन हो, कर्तव्यनिष्ठा हो, चाहे आपकी ड्यूटी हो। और साथ में अगर हम लोग अगर इसको देखना चाहें तो ड्यूटी भी कैसी? मोरल, नैतिक कर्तव्य। इसको आसान कर लीजिए, नैतिक कर्तव्य अगर आप देख लेंगे तो और ये आसान हो जाएगा। जहां पे आपका मोरल ड्यूटी है, जहां पे आपका ऑब्लिगेशन कर्तव्यनिष्ठा है और जहां पे आप किसी को सलाह दे रहे हैं या सेंटेंस में आपको सलाह का बोध हो रहा है, सलाह के बारे में पता चल रहा है, तो वहाँ पे आप इसका उपयोग करेंगे। हम लोग एग्जांपल से देखने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं हमारे। We should obey our elders, कि हमें हमारे बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब यहाँ पे ये नैतिक कर्तव्य बता रहा है कि हमें हमारे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये आपका नैतिक कर्तव्य है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे should का प्रयोग करेंगे। और हम लोग क्या देख सकते हैं? हम लोग देख सकते हैं you blank कंसल्ट अ डॉक्टर। आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? शुड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सलाह की बात करें, यहाँ पे कोई बाध्यता की बात नहीं करें, यहाँ पे कोई हम लोग नेसेसिटी की बात नहीं करें, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सलाह दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे शुड का प्रयोग होगा। अब आपके सामने कन्फ्यूजन भी होगा कि यहाँ पे मस्ट का भी तो हम लोग यूज़ कर सकते थे, हम यहाँ पे मस्ट का भी तो प्रयोग कर सकते थे। हम लोग बात करेंगे, दोनों की बात करेंगे, दोनों में हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे कि किस तरीके से मस्ट और शुड अपने आप में अलग है। दूसरा हम लोग देखते हैं मस्ट, देखते हैं मस्ट का यूज़ भी हम लोग ट्रेडिशनल इंग्लिश में पारंपरिक तरीके से हम लोग बात करते हैं चाहिए के अर्थ में होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सी कंडीशंस में, कंडीशंस कैसी हो, नेसेसिटी हो आपकी,
आपका प्रोहिबिशंस हो, उसके बाद और क्या हो सकता है यहां पे, आपका ऑब्लिगेशंस भी हो सकता है, और एक और जो चीज है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है जो बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट करती है, वो क्या है? ये चीजें जो शुड और मस्ट में आपको कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अब नेसेसिटी का मतलब क्या हो जाएगा? आवश्यकता। प्रोहिबिशन का मतलब हो जाएगा ऑब्लिगेशन का मतलब वही। तो ये है हमारे सामने कि जब भी ऐसी कंडीशंस, इस तरीके का भाव, इस तरीके के एक्सप्रेशंस हमारे सामने अगर किसी सेंटेंस में यूज होते हैं तो हम लोग मस्ट का यूज करेंगे। अब आप लोग सोचेंगे कर्तव्य निष्ठा मस्ट में भी है, कर्तव्य निष्ठा शुड में भी है, तो दोनों में क्या अंतर है? देखिए यहाँ पे एक जो शब्द यूज हुआ है वो नैतिक यूज हुआ है। जहां पे भी मॉरेलिटी की बात हो जाए, जहां पे भी आपका प्रोहिबिशंस की बात हो जाए, और इसको अगर हम लोग को जोड़ना है और इसको हम लोग को आसान बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? कंपल्शन। जहां पे कंपल्शन का भाव हो जाए, कंपल्शन का मतलब क्या हुआ? कंपल्शन का मतलब हुआ कि जहां पे भी आपके ऊपर जो है वो किसी चीज को स्ट्रिक्टली थोपा जाए, स्ट्रिक्टली आपको उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर फॉलो करना है तो वहां पे आप मस्ट का यूज करेंगे। अनिवार्यता और नियम। जहां पे भी नियम की बात आ जाती है, जहां पे भी अनिवार्यता की बात आ जाती है, तो वहां पे आपके लिए मस्ट हो जाता है। मतलब आपके हाथ में नहीं है। देखिए, वी शुड ओबे अवर एल्डर्स, क्या मतलब हुआ? वी शुड ओबे अवर एल्डर्स का मतलब ये हुआ कि ये नैतिक कर्तव्य है, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। ये आपका नैतिक कर्तव्य, ये आपका सामाजिक कर्तव्य है जो आपको फॉलो करना चाहिए। लेकिन एक यहां पे हम लोग अगर एग्जांपल की बात करें तो है हमारा वी कि वी ब्लैंक फॉलो ट्रैफिक रूल्स, कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, ट्रैफिक रूल्स की पालना करनी चाहिए थी। यहाँ पे हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं है, यहाँ पे क्या है? हमारे पास कंपल्शन है, हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन है कि इसको हमें फॉलो करना ही करना है, इसकी पालना करनी करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास मस्ट हो जाएगा, इसकी हमें पालना करनी ही करनी है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, ही यहां पे क्या आ जाएगा? क्यों? क्योंकि ये पक्का विश्वास है कि वो टॉपर ही होगा, ही मस्ट बी ए टॉपर, वो टॉपर ही होगा। तो यहां पे क्या है? पक्के विश्वास की बात कर रहे हैं, बिलीफ की जो है बात कर रहे हैं। एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं, यू You blank not pluck the flower, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? Must not pluck the flower, it means निषेधात्मक, prohibition से यहां पे। तो ये अपने आप में कैसा मीनिंग देगा हमको? ये अपने आप में हमको नेगेटिव मीनिंग देगा। निषेधात्मक मतलब नेगेटिव, कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए, आपको फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो उसके सेंस में
हम लोग मस्ट नोट का यूज़ करेंगे। तो हमारे सामने चीज़ें क्लियर है कि क्या हमको बेसिक चीज़ ध्यान रखनी है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हमें फॉलो करना है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पे जो कंडीशंस हमारे हाथ में है, जो नैतिकता बताती है, जो मॉरेलिटी बताती है, वहाँ पे हमको यूज़ करना है शुड। और जो कंडीशंस हमारे हाथ में नहीं है, जहाँ पर अनिवार्यता हो जाती है, जहाँ पे आवश्यकता हो जाती है, जहाँ पे आपके स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको मस्ट का ही प्रयोग करना है। इसका सीधा सा उदाहरण आप ऐसे देख सकते हो कि स्कूल में आप जब जाते हो तो आपको स्कूल के डेकोरम को फॉलो करना ही करना है। वहाँ पे आपके हाथ में कुछ नहीं है, वहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आपको फॉलो करना है। तो वो क्या हो गया, वो आपका मस्ट में हो गया। लेकिन आप किसी कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, किसी ट्यूशंस पे जाते हैं, तो वहाँ पे किसी प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस की बाध्यता नहीं है, वहाँ पे आपके ऊपर किसी प्रकार का कंपल्शन नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे शुड हो जाएगा। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग बात करें, एक बेसिक चीज़ की बात करें कि जब स्कूल में क्लास में आप बैठे होते हैं तो जैसे ही टीचर आता है तो आप उसके रिस्पेक्ट में खड़े होते हैं। दैट इज़ व्हाट कॉल्ड, दैट इज़ कॉल्ड मस्ट, कंपल्शन है। लेकिन सेम फीचर सेम थिंग आपके ट्यूशन में यूज़ नहीं होती, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, शुड हो जाता है। तो इन दो मॉडल्स को आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगले पार्ट में हम लोग अगले दो मॉडल्स को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे से उसके साथ हम लोग डील कर सके, इजी वे में, ट्रिक के साथ। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो उसके आंसर्स भी हम लोग आपको देंगे। थैंक यू।